बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पैराडाइज कॉलेज। स्टूडेंट्स, हम इससे प्रीवियस लेक्चर्स में आपके सामने जो चैप्टर नंबर 3 का टेक्सचर है वो कर चुके हैं, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन अलोंग विद केसेस। इसके साथ हमने रेलिवेंट एक्सरसाइज को भी कर लिया है, 9 शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के अब कर चुके हैं और आप न्यूमेरिकल में से रेलिवेंट पोर्शन भी कर चुके हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स एंड न्यूमेरिकल्स, कुछ आपको असाइनमेंट्स दी गई हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो साथ साथ आप सॉल्व करते होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का जो क्वेश्चन है ये है मोमेंटम एंड एक्सप्लोजिव फोर्सेस। ये उस तरह से, जिस तरह आपने इससे पीछे देखा कि हमने फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो को एक्सप्लेन किया था, तो मैंने बताया था कि ये अगर लॉन्ग क्वेश्चन नहीं भी बनता तो इसमें से बहुत सारी बातें हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं। तो ये जो आज का आर्टिकल है ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो एक्सप्लोजिव फोर्सेस क्या होती हैं, ज़रा इसके टाइटल नेम को देखिए। एक्सप्लोजन कहते हैं धमाके को, तो एक्सप्लोजिव फोर्सेस वो जो धमाका क्रिएट करती हैं, यानी जब ब्लास्ट होता है तो अंडर द फोर्सेस ब्लास्ट टेक्स प्लेस, वो फोर्सेस एक्सप्लोजन क्रिएट कर रही हैं, उनको एक्सप्लोजिव फोर्सेस कहते हैं, एक्सप्लोजन के दौरान जो काम कर रही हैं। तो मोमेंटम का जो कंजर्वेशन का लॉ है ये सिर्फ कोलिजन के लिए नहीं है, बल्कि हम इसको यूं कहेंगे कि सिस्टम आइसोलेटेड हो तो बिफोर एंड आफ्टर मोमेंटम कंजर्व है। यानी अगर हम बात करें कोलिजन की तो आप कहेंगे मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल है मोमेंटम आफ्टर कोलिजन के। ठीक है, तो एक्सप्लोजन की बात करें तो मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन इक्वल होना चाहिए मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजन के। ठीक है, मैं आपको इसके एक एग्जांपल सीधी सी देता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये मेरे सामने एक फायर क्रैकर है, एक पटाखा है। ठीक है, इसको अभी कुछ नहीं किया, ये अपनी पोजीशन को संभाले हुए है। इसके अंदर जितने पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे इस रिजिड बॉडी के अंदर एट रेस्ट हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि जब हम इसको यानी इग्निशन करते हैं फायर, तो ये फटता है कुछ देर के बाद। जब ये फटेगा तो आप देखेंगे कि इसके ज़र्रात जो हैं वो इस तरह स्पेस में हर तरफ बिखर जाएंगे। तो यहाँ पे मोमेंटम के कंजर्वेशन का लॉ किस तरह अप्लाई होगा, तो देखें, हमने तो बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाई, यही बम जो पहले नहीं फटा था तो ये रेस्ट पे था, सारे का सारा सिस्टम रेस्ट पे था, तो टोटल मोमेंटम क्या था, ज़ीरो, इसको समझ लीजिए। लेकिन ब्लास्ट होने के बाद अब टोटल ज़ीरो होना चाहिए लॉ के अकॉर्डिंग। तो वाकई मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये टोटल किस तरह से ज़ीरो है, प्लीज़ गौर कीजिएगा। ये टोटल इस तरह से ज़ीरो है कि जितना पार्टिकल्स का मोमेंटम लेफ्ट से राइट जाएगा उतना राइट से लेफ्ट जाएगा, जितना इस केस में जितना इस तरफ को जाएगा उतना इसके ऑपोजिट जाएगा, जितना अपवर्ड जाएगा उतना डाउनवर्ड जाएगा। तो तमाम डायरेक्शंस में जो मोमेंटम है उसको अगर हम वेक्टर सम में ऐड करते हैं तो रिजल्ट फिर ज़ीरो आएगा। इसका मतलब है टोटल अगर बिफोर एक्सप्लोजन ज़ीरो था तो टोटल मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजन भी ज़ीरो होगा। समझ गए, यानी फटने के बाद, ब्लास्ट होने के बाद वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में जब डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो उन पार्टिकल्स ने अपना अपना रास्ता लिया। तो हम अगर मोमेंटम टोटल की बात करें तो राइटवर्ड मोमेंटम इज बैलेंस्ड बाय लेफ्टवर्ड, अपवर्ड इज बैलेंस्ड बाय डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड इज बैलेंस्ड बाय इनवर्ड। इट मींस कि इन ऑल डायरेक्शंस जब हम सारे मोमेंटम्स को ऐड करते हैं तो रिजल्ट अगर टोटल फिर से ज़ीरो आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये एग्जांपल आपको समझ आ गई होगी कि तमाम डायरेक्शंस में जाने वाला मोमेंटम या तमाम डायरेक्शंस का मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजन अगर हम उसको ऐड करते हैं तो रिजल्ट बिफोर एक्सप्लोजन के बराबर आता है, और बिफोर एक्सप्लोजन अगर ज़ीरो था तो आफ्टर एक्सप्लोजन भी ज़ीरो होगा। ठीक है, अच्छा ये तो एक सीधी सी एग्जाम्पल आपके सामने हमने रखी। ठीक है, अब इसको ज़रा बोर्ड पर देखिए। फॉर एग्जाम्पल हम ये कहते हैं एक फायर क्रैकर है, वो रेस्ट पे पड़ा हुआ है। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट, हम लिखेंगे टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन इज इक्वल टू जीरो।
बरल, तो उसकी इग्निशन से पहले तो टोटल जीरो था। अब देखें बेटा, इसमें बेशुमार, अब सपोज कर लीजिए कि इसमें ला तादाद पार्टिकल्स हैं जिनसे मिलके ये रिजिड बॉडी बना हुआ था, तो जाहिर है कि तमाम सिस्टम के पार्टिकल्स का जो मजमूई तौर पे मोमेंटम था वो ज़ीरो था, क्योंकि हमारा सिस्टम जो कि फायर क्रैकर है वो ही एट रेस्ट है। लेकिन आफ्टर इग्निशन क्या होगा? नाउ When bomb is blasted, ये बॉम्ब वो है, ये फायर क्रैकर वो है, ये पटाखा वो है जो जमीन के ऊपर पड़ा हुआ था, ठीक है? तो इस केस में हम क्या देखेंगे, प्लीज गौर कीजिएगा। ए देखना जरा था लड़ाई साहब, मेरा ख्याल इधर ले जाइए। आफ्टर इग्निशन बेटे देखें, जब ये फटा तो ये ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे पार्टिकल्स का मोमेंटम एक ही डायरेक्शन में चला गया, नहीं, आप देखेंगे कि ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, बल्कि हम ये देखेंगे कि एक मोमेंटम लेफ्ट से राइट गया, कुछ पार्टिकल्स का मोमेंटम लेफ्ट से राइट गया, इसको बैलेंस करने के लिए कुछ मोमेंटम का, कुछ पार्टिकल्स का मोमेंटम राइट से लेफ्ट जाएगा। मैं इसको नाम दे रहा हूँ P1 और P2 का, P स्मॉल कर लें क्योंकि मोमेंटम के लिए स्मॉल P यूज किया जाता है, ठीक है? इसी तरह कुछ पार्टिकल्स का मोमेंटम अपवर्ड P3, और इसको बैलेंस करने के लिए कुछ पार्टिकल्स का मोमेंटम डाउनवर्ड भी होगा P4। इसी तरह कुछ पार्टिकल्स का मोमेंटम आउटवर्ड इस तरफ को, और कुछ का मोमेंटम इनवर्ड। तो अगर हम इन तमाम पार्टिकल्स के मोमेंटम्स को ऐड करें डेल्टा पी, तमाम डायरेक्शंस में जाने वाला मोमेंटम, तो बेटा लॉ के अकॉर्डिंग जितना मोमेंटम राइटवर्ड है उतना लेफ्टवर्ड, तो ये दोनों बैलेंस हो गए, जितना अपवर्ड उतना डाउनवर्ड, जितना आउटवर्ड उतना इनवर्ड। वैसे ये सिर्फ मैंने तो आपको सीधी सीधी डायरेक्शंस बताई हैं, हालांकि ये तो ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए है, वरना एक पार्टिकल एक बॉम्ब के जो या एक पटाखे के जो पार्टिकल्स हैं वो तमाम पॉसिबल डायरेक्शंस में जाते हैं, लेकिन उन तमाम डायरेक्शंस के अलॉन्ग उनका सम ज़ीरो आएगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि मैं सिर्फ सीधी सीधी रास्ते पे दिखा रहा हूँ कि ये छः के छः आपके पास जो है वो पाथ नज़र आए, ये ला तादाद हो सकते हैं, ये पूरे, यानी आप इस तरह सपोज कर लीजिए कि एक फुटबॉल के बिल्कुल सेंटर में बम पड़ा हुआ था, तो जब बम फटेगा तो फुटबॉल की तमाम डायरेक्शंस में सफ़ियर के हर तरफ से पार्टिकल्स बाहर निकलेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं सिमेट्रिकली जितना मोमेंटम राइट सफ़ियर का होगा उसके ऑपोजिट हेमी सफ़ियर का उतना उसका ऑपोजिट लेफ्ट हेमी सफ़ियर है, तो आप देखेंगे कि तमाम डायरेक्शंस में उसका सम ज़ीरो आएगा, ठीक है? इसका मतलब है तमाम पार्टिकल्स का आफ्टर एक्सप्लोजन भी मोमेंटम ज़ीरो होगा, सो टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजन इज ऑल्सो ज़ीरो। तो लॉ तो वैलिड है, इट मीन्स के एक्सप्लोजन का केस भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को वायलेट नहीं कर रहा बल्कि उसके अकॉर्डिंग है, तो टोटल को देखा जाता है। अच्छा, इस बात को मजीद ओपन करने के लिए मैं एक एग्जाम्पल और दे देता हूँ, ये सिर्फ आपको समझाना यहाँ पे मकसद है। देखें, ये तो आपको नजर आ रही थी सिर्फ चार या छः पाथ, लेकिन हम इससे ज़्यादा भी बात करना चाहते हैं। तो मान लीजिए कि ये एक छोटा सा सफ़ियर है, ये बच्चों वो नहीं है, सर्कल नहीं है, सफ़ियर है, जैसे फुटबॉल, इस फुटबॉल के बिल्कुल सेंटर में एक छोटा सा बम पड़ा था जो एट रेस्ट है, फायर क्रैकर पड़ा था, ठीक है? ये फायर क्रैकर है, तो फायर क्रैकर शुरू में एट रेस्ट है, तो बताइए इसका टोटल मोमेंटम सिस्टम का क्या हुआ? तो आप कहेंगे ज़ीरो। चले मैं अब डायग्राम को यहीं पे रखता हूँ। शुरू में फायर क्रैकर एट रेस्ट था तो उसका मोमेंटम ज़ीरो था, ठीक है बच्चों? तो टोटल मोमेंटम सिस्टम का ज़ीरो था, ये सफ़ियर के अंदर है। अच्छा, जब फटेगा आफ्टर एक्सप्लोजन, तो बेटा इधर देखें, इस बॉम्ब के सारे पार्टिकल्स इस सफ़ियर की तमाम डायरेक्शंस में से निकलेंगे, अगर ये मजबूत स्ट्रांग होगा तो ये सफ़ियर को फाड़ के भी निकलेगा। तो आप देखेंगे, मैं अब इसको सफ़ियर को बना रहा हूँ डॉटेड सिर्फ आपको समझाने के लिए, तो हम क्या देखेंगे कि मोमेंटम इस एक्सप्लोजन के दौरान आफ्टर एक्सप्लोजन
ये पार्टिकल्स तमाम डायरेक्शंस में जाएंगे और इस तरह सफीयर की सरफेस में से आपको दिखाए जा रहे हैं। अब ये जितने चाहें आप इसके पाथ दिखा दें, लेकिन आप एक बात गौर करते हैं कि आपको नजर आ रहा है कि ये तमाम डायरेक्शंस में जाने के बावजूद एक सफीयर को अगर आप काटें सेंटर से तो दो हेमी सफीयर बनेंगे। ठीक है, आपको ऐसे लग रहा है जैसे हर मोमेंटम के ऑपोजिट एक मोमेंटम मौजूद है, हर डायरेक्शन हर मोमेंटम जो है वो जिस पर्टिकुलर डायरेक्शन में किसी पार्टिकल का गया उसके ऑपोजिट एक डायरेक्शन आपको दिखाई दी गई है। तो ये तो समझने के लिए है कि आप अब समझ जाएंगे कि तमाम डायरेक्शंस में जाने वाले मोमेंटम को अगर हम ऐड करें तो उनका वेक्टर सम फिर ज़ीरो आना चाहिए, क्योंकि ये लॉ के अकॉर्डिंग है। ठीक है, इट मीन्स के एक एक हेमीसफियर का मोमेंटम उसके साथ वाले हेमीसफियर के मोमेंटम से बैल के अलॉन्ग जो है वो बैलेंस हो रहा है, तो टोटल आफ्टर एक्सप्लोजन भी ज़ीरो होगा। चलो ये तो वो केस था जब एक बॉडी या एक बॉम्ब शुरू में रेस्ट पे था, लेकिन एक केस और देख लेते हैं जो आपकी बुक में दिया गया है। मोर ओवर इस एग्जाम्पल को भी देख लीजिए। अब आपकी बुक में एक एग्जाम्पल ये दी गई है कि एक बड़े साइज का बॉम्ब है जिसका मैस है कैपिटल एम और इसको फेंका गया है और ये जमीन की तरफ गिर रहा है और इसकी वेलोसिटी है वी। कॉमन सेंस की बात है, एक बॉम्ब की वेलोसिटी कभी भी ऊपर से नीचे जब फेंकेंगे तो कांस्टेंट तो नहीं रह सकती। उसकी वजह यह है कि ग्रेविटी उस पर वर्क कर रही है और उसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ेगी। इट मीन्स कि ये जो इसकी वेलोसिटी है ये कांस्टेंट नहीं है बल्कि इंक्रीजिंग वेलोसिटी है। इसका मतलब है बॉम्ब का फटने से पहले तक मैस तो कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। दिस इंप्लाइज दैट टोटल मोमेंटम बिफोर फ्रेगमेंटेशन, टुकड़ों में तकसीम होने से पहले जो टोटल मोमेंटम था वो एम वी था। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि इस केस में मुझे बताएं क्या ये फ्रेगमेंटेशन से पहले टोटल मोमेंटम लगातार कांस्टेंट रहेगा? तो जवाब है नहीं। जहां से बम फेंका वेलोसिटी जीरो थी तो मोमेंटम भी जीरो था, अब वेलोसिटी लगातार बढ़ती जा रही है तो मोमेंटम भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, मोमेंटम भी बढ़ता जा रहा है। हम कहते हैं कि फर्ज करें ये पॉइंट पी पर जब आया, पॉइंट पी पर आके इस बॉम्ब के दो टुकड़े बन गए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये वी वेलोसिटी जो थी ये इंक्रीजिंग वेलोसिटी थी और पी पॉइंट के ऊपर जब वो तकसीम हुआ तो तकसीम होने से जस्ट बिफोर मोमेंटम था एम वी। ठीक है, क्योंकि ये मुसलसल कांस्टेंट नहीं रह सकता तो हम सिर्फ उस पॉइंट पे, पी वो पॉइंट है, मैं इसके साथ लिखता हूं पॉइंट वेयर इट इज फ्रेगमेंटेड। ये वो पॉइंट है जहां पे आके वो टुकड़ों में तकसीम हुआ, उससे पहले नहीं हुआ था। इसका मतलब है इसका मोमेंटम बढ़ता 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 P पॉइंट पे आके एम वी है। ठीक है, ये P पॉइंट के ऊपर मोमेंटम एम वी है, यहां आके इसके दो टुकड़े बन गए। मैं कहता हूं एक का मैस है, राइट, अब छोटे मैसेज बन जाएंगे। मान लीजिए वो मोमेंटम उसका मैस है एम वन और एक टुकड़ा बन गया एम टू और एम वन की वेलोसिटी है वी वन और एम टू की वेलोसिटी है वी टू। तो लॉ क्या कहता है, बिफोर फ्रेगमेंटेशन मोमेंटम आफ्टर फ्रेगमेंटेशन मोमेंटम के इक्वल होगा। प्लीज इस पे गौर कीजिएगा, अगर मैं इन दोनों टुकड़ों के मोमेंटम को जो पी पॉइंट पे आके टूटने के बाद बने हैं इसको ऐड करूं हेड टू टेल रूल से, तो आपको हेड टू टेल रूल पता है कि एक वेक्टर के हेड से दूसरे की टेल मिलाते हैं, यानी एक मोमेंटम है एम वन वी वन और दूसरा है एम टू वी टू। तो एम वन वी वन के साथ में एम टू वी टू को हेड टू टेल रूल से ऐड कर रहा हूं, तो जब हेड टू टेल रूल से ऐड करता हूं एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू, तो बच्चों ये लॉ के अकॉर्डिंग इस एम वी के बराबर होना चाहिए। मींस बिफोर फ्रेगमेंटेशन मोमेंटम, यानी उसका अपने पार्ट्स में तकसीम होने से पहले जो मोमेंटम था वो बराबर है उन पार्ट्स में तकसीम होने के बाद
उनके मोमेंटम को अगर आप ऐड करें तो वो भी इसके बराबर आना चाहिए. मींस मोमेंटम बिफोर फ्रेगमेंटेशन एम वी बराबर है एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू. और अगर इसके तीन टुकड़े होते तो फिर तीसरे का भी मोमेंटम इसके साथ आ जाता एम थ्री वी थ्री. समझ आ गए? इट मीन्स के टोटल मोमेंटम बिफोर फ्रेगमेंटेशन और टोटल मोमेंटम आफ्टर फ्रेगमेंटेशन ये दोनों ये इक्वल होगा. ठीक है, जैसे इस डायग्राम में आपको दिखा दिया एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू और ये इक्वल एम वी के ही आएगा. ठीक है, अब हम चूंकि इसको ग्राफिकली नहीं बता सकते क्योंकि हम तो अंदाजे से ये डायरेक्शंस ले रहे हैं, लेकिन अगर आप इसको आपके पास इसके एग्जैक्ट ग्राफ मौजूद हों तो आप उनको हेड टू टेल रूल से ऐड कर लें, ये एग्जैक्टली इस वैल्यू के बराबर आएगा. तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एक्सप्लोजन और एक्सप्लोजिव फोर्सेज से रिलेटेड आपको मोमेंटम की समझ आ गई होगी कि मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर एक्सप्लोजन वो सेम रहता है, फ्रेगमेंट दो बने या 10,000 बने. ठीक है, अगर सिस्टम एट रेस्ट हो या फ्री फॉल कर रहा हो, जैसा भी हो, बिफोर एंड आफ्टर मोमेंटम कंजर्व रहेगा. ठीक है, तो इसके साथ ही अब मैं आपके सामने एक से दो एग्जांपल और हैं जो इसी आर्टिकल में दी गई हैं, उसमें उनको डिस्कस कर लेते हैं, जिसके अंदर बताया गया है कि आप एक गोली को बंदूक से फायर करते हैं तो हमारा सिस्टम दो चीज़ों पर मुश्तमिल है. मान लीजिए एक बंदूक है गन और एक बुलेट है गोली. तो जब फायर नहीं किया था तो गोली और बंदूक दोनों रेस्ट पे थी तो मोमेंटम ज़ीरो है, लेकिन जब हम फायर करते हैं तो क्या देखते हैं कि गोली आगे को शूट करती है स्पीड से, तो उसको कंजर्व करने के लिए, उसके आगे वाले मोमेंटम को बैलेंस करने के लिए गन को जो झटका लगता है वो पीछे को लगता है. आपने टीवी ड्रामों में देखा होगा कि या डिफरेंट न्यूज़ में आपने देखा होगा कि ये मंजर दिखाए गए होते हैं टीवी के ऊपर कि जब भी एक शख्स जो है वो बंदूक से फायर करता है तो उसके बाजू को झटका लगता है, या हाथ से अगर पिस्टल से फायर करता है तो उसके हाथ की तली को भी झटका लगता है. आपने टीवी में देखा होगा कि मुख्तलिफ जगहों पे रॉकेट लॉन्चर दिखाए गए होते हैं, तो रॉकेट लॉन्चर में क्या होता है कि आगे से बहुत बड़ा फायर निकलता है तो उसके बैलेंस करने के लिए वो इतना बड़ा झटका होता है कि उसको कोई कंधे पे रख के नहीं चला सकता बल्कि उसको स्टैंड पे रखना पड़ता है. या तोप है, तोप से जब कैनॉन बार निकलता है तो तोप को इतना बड़ा झटका लगता है कि तोप पीछे को आती है बाजू का उसमें, और वो झटका कई ज़ोरदार किस्म की आवाज़ भी बाजू का वो प्रोड्यूस कर रहा होता है. तो आइए हम रिकॉयल वेलोसिटी की बात करते हैं. तो मैं यहाँ पे इसको स्क्रीन बोर्ड के ऊपर दिखाता हूँ, आइए स्टूडेंट्स एक एग्जांपल है, मैंने उसको एक स्टेटमेंट की शक्ल दे दी है, ज़रा गौर कीजिए कि एक बुलेट जिसका मास स्मॉल m है उसको फायर किया गया एक गन से और गन का मास है कैपिटल m. अब फ़र्क याद रखना है, हमारा सिस्टम दो बॉडीज़ पर मुश्तमिल है, एक गोली और एक बंदूक. ठीक है, गन एंड बुलेट दोनों के मैसेज भी अलग, गोली का मास स्मॉल m और बुलेट का गन का कैपिटल m. कहते हैं कि देखें जब फाइंड द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, गन जिस वेलोसिटी से पीछे को आएगी वो आपने फाइंड करनी है, अगर बुलेट आगे जो निकली उसकी वेलोसिटी v है. ठीक है, तो अब जरा एक बात देखिए, हम इसमें एक चीज आपके सामने रखते हैं कि बिफोर फायरिंग, फायर करने से पहले बुलेट एंड गन आर एट रेस्ट, सो टोटल मोमेंटम इज जीरो. टोटल मोमेंटम जीरो था, इसको देखिए जरा, मान लीजिए कि ये गन ही है. ठीक है, और ये इस वक्त हमारा सिस्टम एट रेस्ट है, तो बुलेट भी रेस्ट पे है और गन भी रेस्ट पे है, तो टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग जीरो है. नाउ आफ्टर फायर, फायर के बाद आप ये देखेंगे कि जो गोली है
वो आगे को शूट की और उसकी वेलोसिटी है वी। बेटा इसको कंजर्व करने के लिए जो गन है वो पीछे को जाएगी, क्योंकि आगे का मोमेंटम बैलेंस होगा पीछे को, और इसका नाम REC, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन, एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बुलेट। तो मोमेंटम की कंजर्वेशन का लॉ क्या कहता है कि जितना मोमेंटम आगे को गया है गोली के मोमेंटम की शक्ल में, उतना मोमेंटम पीछे को होगा, वरना टोटल कंजर्व नहीं रहेगा। ठीक है, तो टोटल जीरो था बिफोर फायर, और आफ्टर फायर भी टोटल क्या होगा, जीरो। ओके, दिस इंप्लाइज दैट टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग जीरो था, तो आफ्टर फायरिंग क्या है मोमेंटम, गोली का मोमेंटम है मैस एम, वेलोसिटी वी, गन का मैस कैपिटल एम और वेलोसिटी है REC, रिकॉइल। अब इसको रिकॉइल वेलोसिटी अगर हम यहां से कैलकुलेट करते हैं तो रिकॉइल वेलोसिटी और हाँ, अब ये यहाँ पे छोटे से टेक्निकल पॉइंट को आपने गौर करना है, दोनों के मोमेंटम एक दूसरे के इक्वल एंड ऑपोजिट हैं, ये तो आपको वेक्टर फॉर्म में दिखाया गया। नेक्स्ट देखते हैं, आपके सामने एक बात बताई गई कि रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन इस बुलेट की वेलोसिटी के ऑपोजिट है, तो साइन नेगेटिव आ रहा है। इसमें आपके सामने दो से तीन पॉइंट्स हैं जिसको आपने देखना है, ये रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन है, यहाँ पे नेगेटिव साइन के गोली की वेलोसिटी के ऑपोजिट है गन की वेलोसिटी, लेकिन इक्वल एंड ऑपोजिट नहीं मैं कह रहा, सिर्फ डायरेक्शन में ऑपोजिट है। देखें इक्वल क्यों नहीं है, तो बेटा गन का मैस ज़्यादा है, ठीक है, तो गन का मैस ज़्यादा है तो रिकॉइल वेलोसिटी उसकी कम होगी, तभी प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट आएगा। तो गोली का मैस तो बहुत छोटा है, तो गोली की जो आगे की वेलोसिटी है वो बहुत हाई होती है। अगर आप इस तरह कह लें कि गोली का मैस और गन का मैस बराबर होता, जो कि नामुमकिन है, तो फिर जिस स्पीड से गोली ने आगे को जाना था उसी स्पीड से गन ने पीछे को आना था, ठीक है। तो गन को जितना हैवी रखेंगे झटका कम लगेगा, समझ गए, गन को जितना हैवी रखेंगे झटका उतना कम रखेगा, यही वजह है कि हैवी गन्स कम झटका खाती हैं। और लेकिन दूसरी बात यह कि जितनी स्पीड जो बंदूक जितना दूर मार करती है उसको उसकी रिकॉइल वेलोसिटी भी ज्यादा होती है। तो यहां से दो से तीन पॉइंट्स हैं, इसको देखिए, इधर करना जरा, इन पॉइंट्स को जरा गौर से देखिए। नंबर वन, रिकॉइल वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है गन की वेलोसिटी की, बुलेट की वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड के, बुलेट जितनी तेज फायर होगी रिकॉइल वेलोसिटी उतनी ज्यादा होगी। सेकेंड चीज क्या है कि रिकॉइल वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मैस ऑफ द गन, गन जितनी हैवी होगी रिकॉइल वेलोसिटी उतनी कम होगी, ठीक है। तो ये दो बातें आपके सामने रख दी, ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग था। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमारे पास अभी टाइम कुछ बाकी है, तो कुछ सिंपल एग्जांपल्स मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ जो आपकी बुक में मौजूद है, और कुछ इसका हिस्सा मैं आपको भी करने के लिए दूंगा असाइनमेंट के तौर पर। आइए हम 3.2 एग्जांपल को शामिल कर रहे हैं। इसमें क्या कहते हैं कि एक कार 1500 किलोग्राम कार हैज़ अ वेलोसिटी रिड्यूस्ड फ्रॉम 15 मीटर पर सेकेंड टू फ्रॉम 20 मीटर पर सेकेंड टू 15 मीटर पर सेकेंड इन 3 सेकेंड। ज़रा सुनिए, 1500 किलोग्राम की एक कार है, उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड थी। अब जाहिर है जब आप ब्रेक लगाते हैं तो वेलोसिटी कम होती है, तो कहते हैं 3 सेकेंड के अंदर अंदर वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड से 15 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो यकीनन इस पे फोर्स रिटार्डिंग फोर्स लगी। रिटार्डिंग फोर्स वो होती है जो मुखालिफ फोर्स होती है, जो यहाँ ब्रेक की शक्ल में आप ले सकते हैं, या मुख्तलिफ तरह की रिटार्डिंग फोर्सेस मौजूद हैं। गाड़ी की अपनी ब्रेक भी होती है, इसके अलावा रोड की अपनी रिटार्डेशन मौजूद, रिटार्डिंग फोर्स फ्रिक्शन की शक्ल में मौजूद है, एयर फ्रिक्शन है बेशुभ, लेकिन आप कह लें कि उसको रोकने के लिए फोर्स लगी। 3 सेकेंड में वेलोसिटी 20 से 15 हो गई मीटर पर सेकेंड में। तो बताइए कितनी एवरेज रिटार्डिंग फोर्स उसके ऊपर लगी। आइए जरा इसका डाटा देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3.2, मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल वेलोसिटी दैट इज VI 20 मीटर पर सेकेंड
फाइनल वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड? जी कितना टाइम लगा? 3.0 सेकेंड्स यानी 3 सेकेंड। यू हैव टू फाइंड एवरेज रिटार्डिंग फोर्स। एवरेज रिटार्डिंग फोर्स आपने फाइंड करनी है सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि जब भी किसी चीज़ का मोमेंटम चेंज होता है टाइम के लिहाज से तो फोर्स लगती है। तो ये तो आपने न्यूटन सेकेंड लॉ इन टर्म ऑफ मोमेंटम पढ़ा था कि वी नाउ दैट एवरेज रिएक्शनल फोर्स बराबर होती है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। तो मोमेंटम में चेंज क्या होता है? एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर टी। जी एम कितना है? एम कॉमन ले लीजिए तो क्या बचा? वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। जी अब जस्ट वैल्यूज को पुट करना है। एम आपके पास है 1500, वी एफ था 15, वी आई है 20। तो यहाँ आंसर आएगा -5। तो बच्चों इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यह आ जाएगा -2500 न्यूटन। स्टूडेंट्स हमारा आंसर आया है रिटार्डिंग फोर्स -2500 न्यूटन। ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? नेगेटिव साइन शोज रिटार्डिंग फोर्स यानी मुखालिफ फोर्स है जो वेलोसिटी के ऑपोजिट लग रही थी और कार को रोक रही थी। ठीक है तो ये 3.2 एग्जाम्पल आपके सामने मुकम्मल हुई। जी इस एग्जाम्पल नंबर 3.4 है, देखिए ये इलास्टिक कोलाइजन इन वन डायमेंशन आपने जो पढ़े हैं केसेस उनको सामने रखना है, उन वैल्यूज के साथ इसको हल करेंगे, बहुत आसानी से कर लेंगे। 70 ग्राम का एक बॉल है कोलाइड करता है दूसरे बॉल से जिसका मैस है 140 ग्राम। इसका मतलब है इंसिडेंट बॉडी वो होता है जो टकराने वाला M1 और टारगेट बॉडी M2। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल इज 9 मीटर पर सेकेंड टू राइट जबकि दूसरा बॉडी एट रेस्ट था। मैं इसको चलें आपको बना के दिखा देता हूं कि ये एक बॉल है M1, इसका मैस है 70 ग्राम और ये लेफ्ट से राइट मूव कर रहा है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी दी गई है बच्चों 9 मीटर पर सेकेंड और जबकि दूसरा बॉल जो है उसका मैस थोड़ा ज़्यादा है, मैं सफ़ियर का साइज बड़ा कर देता हूँ और ये एट रेस्ट है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 0। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप बात समझ गए होंगे कि एक बॉडी दूसरे से कोलाइड करेगा। और साथ में कहते हैं इफ कोलाइजन वर परफेक्टली इलास्टिक, अगर कोलाइजन परफेक्टली इलास्टिक है तो बताओ दोनों बॉडीज की वेलोसिटी क्या बनेगी, इसकी आफ्टर कोलाइजन और इसकी आफ्टर कोलाइजन, ये दोनों आपने फाइंड करनी है। मैसेज आपको दिए हैं तो अब हम इसका डाटा लिखते हैं, आप प्लीज गौर कीजिएगा। सेवेंटी ग्राम है, 1000 पे डिवाइड करेंगे, 70 × 10⁻³ किलोग्राम तो ये आ जाएगा 0.07 किलोग्राम। इसी तरह मैस ऑफ सेकेंड बॉडी जिसको टारगेट बॉडी कहते हैं, टारगेट बॉडी 140 ग्राम है, 1000 पे डिवाइड करेंगे 0.14 किलोग्राम। ठीक है स्टूडेंट्स अब हम एक बात देखते हैं, दो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ M1 दैट इज 9 मीटर पर सेकेंड और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ M2 दैट इज V2 0 और दैट वाज V1। तो V1 आपको दिए 9 मीटर पर सेकेंड, V2 दिए 0। आपने फाइनल वेलोसिटीज फाइंड करनी है, यू हैव टू डिटरमिन फाइनल वेलोसिटी ऑफ M1 दैट इज V1 जो आपने पहले नाम दिए हुए हैं इनको आर्टिकल के अंदर और फाइनल वेलोसिटी ऑफ M2 दैट इज V2, ये आपने फाइंड करनी है। स्टूडेंट्स आपको एक बात बताई थी कि एक इक्वेशन से दो अननोन फाइंड नहीं हो सकते, अगर आप
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फार्मूला लगाते हैं, तो आपके पास तो बेटा वी वन डैश और वी टू डैश दोनों नहीं है, तो आप अब उसको यूज़ नहीं कर सकते। याद कीजिए आपने केसेस के लिए जो वैल्यूज़ पढ़ी थी वी वन डैश और वी टू डैश की, बताइए वी वन डैश क्या थी? ज़रा गौर कीजिए, ये वैल्यूज़ आपको जहन में याद रहनी चाहिए। वी टू ज़ीरो है, ये सारा फैक्टर ज़ीरो हो जाएगा, ये सारा फैक्टर तो ज़ीरो होना है इसने, लेकिन यहाँ क्या आएगा? एम वन कितना है? एम वन है आपके पास वी वन कितना है? नाइन ओवर एम वन प्लस, इसको सिंप्लीफाई करें, इसमें से आपने इसको माइनस करना है और फिर 9 से मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले न्यूमिनेटर इन दोनों फैक्टर को माइनस करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर डिनोमिनेटर इन दोनों को आप ऐड करेंगे वी। इसका आंसर बच्चों आपने हल करना है, तो ये देखें स्मॉल फैक्टर है प्लस वाला, बड़ा फैक्टर है माइनस वाला, आप इसे सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आएगा -3 मीटर पर सेकेंड। इसका बेटा मतलब सुन लीजिए कि ये जब इससे टकराएगा तो ये वापस जाएगा, यानी इसकी पहले वेलोसिटी थी लेफ्ट से राइट, अब होगी राइट से लेफ्ट। ठीक है, उम्मीद है ये आप बात समझ गए होंगे। नाउ बताइए इसकी आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी वी टू डैश, जरा फाइंड कीजिए जल्दी से। इक्वेशन आपके पास है, ये होती है m2 माइनस m1 v2 ओवर m1 प्लस m2 प्लस 2m1 v1 ओवर m1 प्लस m2। तो स्टूडेंट्स v2 जीरो है, ये सारा फैक्टर जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये सारा फैक्टर जीरो प्लस 2 m1 आपके पास है 0.07, V1 क्या था 9 और M1 क्या है 0.07 और M2 क्या है 0.14। इसको भी आपने सिंप्लीफाई करना है, न्यूमिनेटर को पहले हल करें फिर डिनोमिनेटर को हल करें और फिर इन दोनों को ऊपर नीचे रख के डिवाइड करें। इसका आंसर 6 मीटर पर सेकंड आएगा। इसकी डायरेक्ट यानी इसकी डायरेक्शन लेफ्ट से राइट ही रहेगी, पहले तो रेस्ट पे था अब ये आगे को मूव करेगा। तो बच्चों ये आपकी टू एग्जाम्पल्स भी इस आर्टिकल के साथ हमने शामिल कर ली। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत अच्छे से आपको समझ आई होगी। किसी किस्म का इशू अगर आपको हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।